स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल ITI स्टडी अड्डा में। दोस्तों आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है वीकली करंट अफेयर और ये है 8 अक्टूबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक का। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। कहता है हाल ही में भारत के निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है। तो दोस्तों जो भारत निर्वाचन आयोग ने जिसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है उनका नाम है पंकज त्रिपाठी। ठीक है, और ये वही पंकज त्रिपाठी जो आपके एक्टर हैं, काफ़ी फेमस एक्टर हैं पंकज त्रिपाठी, उनको जो है भारत निर्वाचन आयोग ने अपना नेशनल आइकॉन 2022 का घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए कुआफू 1 को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में की कक्षा में जो है प्रक्षेपित किया है। तो दोस्तों इसको जो है कुआफू 1 को, ठीक है, ये जो नाम है कुआफू 1 इसको जो है दोस्तों चीन ने जो है लॉन्च किया है। ठीक है, और चीन का जो है ये एक जो रिसर्च सेंटर है इसको ये क्या है, ये है ASOS। ठीक है, मतलब कि एडवांस्ड स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, इसको क्या है कि चीन के जो है उत्तर पश्चिम भाग में जीवक्वान एक जो है एरिया पड़ता है, क्षेत्र है, वहाँ से जीवक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर जो है इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इसमें जो है दोस्तों क्या है एक लॉन्ग मार्च 2D वाहक रॉकेट जो होता है उस पर जो है इसको उसी के सहायता से क्या गया लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कहता है 3 नंबर क्वेश्चन कहता है चुनाव आयोग ने हाल ही में किस चुनाव चिन्ह पर रोक लगा दी है। मतलब चुनाव आयोग ने दोस्तों एक सभी जो है चुनाव चिन्ह है जो सिंबल है उस पर उन्होंने रोक लगा दी है, वो सिंबल है धनुष बाण। ठीक है दोस्तों, ये दो धनुष बाण सिंबल है ये शिवसेना का सिंबल है। ठीक है, शिवसेना मध्य प्रदेश सॉरी महाराष्ट्र, शिवसेना जो है महाराष्ट्र की थी। ठीक है, उद्धव ठाकरे की जो है शिवसेना थी और वर्तमान में वहाँ पर एकनाथ शिंदे जो है मुख्यमंत्री हैं और देवेंद्र फडणवीस जो है वहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं। तो ये जो है ये सिंबल जो दो धनुष बाण था दोस्तों ये जो है उद्धव ठाकरे का था और इस पर अब जो है रोक लगा दी गई है और उनको जो है अलग जो है सिंबल अलॉट कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है उसमें। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि वर्ष 2019 से सातवीं बार, ठीक है, वर्ष 2019 से सातवीं बार सांसद रहे सपा पार्टी के किस नेता का हाल ही में 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो दोस्तों इस आप लोगों ने अभी देखा होगा कि हाल ही में जो है मुलायम सिंह यादव जी का जो है निधन हो गया और ये 82 वर्ष के थे। ठीक है, आपको पता होगा दोस्तों कि ये यूपी के जो है पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और यूपी में ये जो है 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, और इनका अगर अभी कभी आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इनका जन्मतिथि क्या है तो दोस्तों इनकी जो मुलायम सिंह यादव की जो जन्मतिथि है वो थी 22 नवंबर 1939 और कहाँ पर जन्म हुआ था, सैफई उत्तर प्रदेश के जो है सैफई में हुआ था। ठीक है, और ध्यान तभी 10 अक्टूबर 2022 को गुरुग्राम में हुआ है। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा कि जो पार्टी थी इनकी सपा पार्टी इसके संस्थापक भी मुलायम सिंह यादव ही थे और ये जो है भारत के जो है दोस्तों पूर्व रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और कब तक रक्षा मंत्री का कार्यकाल इनका जो है 1 जून से रहा दोस्तों। ठीक है, 1 जून 1996, ठीक है, 1 जून 1996 से जो है दोस्तों 3 मार्च तक रहा है। ठीक है, सॉरी 19 मार्च 1998 तक रहा का 2 साल करीब जो इनका रहा है कार्यकाल एज अ डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है कि पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं को और अधिक मजबूत बनाने के लिए RBI गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा लॉन्च की गई वेब आधारित एप्लीकेशन का क्या नाम है। तो दोस्तों जो RBI के गवर्नर हैं, ठीक है, शक्तिकांत दास, इन्होंने एक जो है एप्लीकेशन लॉन्च किया है उसका जो है नाम है दोस्तों उसका नाम रखा गया दक्ष। ठीक है, उसका नाम जो रखा गया है वो दक्ष रखा गया और जो दक्ष एप्लीकेशन दोस्तों ये क्या है कि ये एक वेब आधारित एंड टू एंड वर्क फ्लो एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से RBI बैंकों और NBFC जैसी पर्यवेक्षित संस्थाओं में अनुपालन कल्चर को बेहतर बनाना चाहती है, उसके लिए जो इन्होंने दक्ष ऐप को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य में हाल ही में हैंगिंग फेंसिंग लगाई गई है।
दोस्तों जिस राज्य में हैंगिंग फिशिंग लगाई गई है वो उड़ीसा राज्य है, ठीक है, तो इसमें जो है उड़ीसा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सात। क्वेश्चन नंबर सात देखते हैं कि दोस्तों कि किस केंद्रीय मंत्री ने हिमाचल प्रदेश में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों ये जो है याद रखिएगा, जो जिन्होंने वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया है उनका नाम है अनुराग ठाकुर। और कहाँ पर वाटर सेंटर का जो है उद्घाटन किया गया, तो दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आठ कहता है कि किस राज्य ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। तो दोस्तों ये राजस्थान ऐप ने, जो राजस्थान सरकार ने क्या किया है कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, ठीक है, और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कहता है कि 36वें राष्ट्रीय खेलों में कौन योगासन में स्वर्ण जीतने वाली प्रथम भारतीय खिलाड़ी बनी है। तो दोस्तों इनका नाम है पूजा पटेल, याद रखिएगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि 36वें राष्ट्रीय खेलों में कौन योगासन में स्वर्ण, ठीक है दोस्तों, गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय खिलाड़ी बनी है। तो इनका नाम याद रखिएगा, पूजा पटेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जापानी ग्रैंड प्रिक्स हाल ही में किसने जीता है। दोस्तों जो जापानी ग्रैंड प्रिक्स है उसको हाल ही में मैक्स वर्स्टपन ने जो क्या है जीत लिया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस खिलाड़ी ने हाल ही में 90वां यानी कि 1990 जो है ATP खिताब जीता है। तो दोस्तों ये जो है मशहूर फेडरर जो है नोवाक जोकोविच जो है इन्होंने जीता है, कौन सा 90वां ATP खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, कहता है 12 अक्टूबर 2022 को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो ये दोस्तों विश्व गठिया दिवस जो है मनाया जाता है, और 12 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष जो है 12 अक्टूबर को पूरे विश्व भर में, वर्ल्ड में जो है विश्व गठिया दिवस को मनाया जाता है, 12 अक्टूबर 2022 को मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि 36वें राष्ट्रीय खेलों में श्री हरि नटराज ने पुरुषों की 100 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में कौन सा पदक जीता है। ठीक है दोस्तों, ये जो है जो क्या नाम से श्री हरि नटराज ने थे, ये 100 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में जो है गोल्ड मेडल लेके आए हैं, ठीक है दोस्तों, स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है किसने श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, ठीक है, कोलकाता के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो ये दोस्तों PL हरनाथ हैं, ठीक है, PL हरनाथ ने क्या किया है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता में जो स्थित है उसके जो है अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है, कब, 2022 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है AMFI के दोबारा अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं। तो AMFI के जो है दोबारा से अध्यक्ष A.बालासुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। और अगर दोस्तों अगर आपसे ये पूछ ले कि AMFI जो है, ठीक है, इसका अगर कोई फुल फॉर्म पूछ लिया जाए कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो AMFI का फुल फॉर्म है दोस्तों एसोसिएशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जो कि कहाँ स्थित है, कोलकाता या वेस्ट बंगाल में स्थित है, और 2006 में जो है दोस्तों AMFI की जो है स्थापना होती है। और अगर पूछे आपसे कि वेस्ट बंगाल की CM कौन है, तो आपको पता होगा कि वेस्ट बंगाल के CM ममता बनर्जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, कहता है कि किस केंद्रीय मंत्री ने इंडियन रोड कांग्रेस का उद्घाटन उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ शहर में किया है। दोस्तों जिस केंद्रीय मंत्री ने इसका उद्घाटन किया लखनऊ में, वो हैं केंद्रीय सड़क परिवहन एवं ऊर्जा मंत्री नितिन गडकरी, ठीक है, इसको याद रखिएगा कि इसका जो है उद्घाटन नितिन गडकरी ने किया है, और कहाँ पर किया है, लखनऊ में किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में निर्मित ड्रोन यानी कि ड्रोनी का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है। तो दोस्तों इसका जो है गरुड़ एयरस्पेस, ठीक है, गरुड़ एयरोस्पेस द्वारा इसका जो है स्थापना जो है संचालन किया जा रहा है, ठीक है। ड्रोनी जो है, जो ड्रोन है भारत में निर्मित ड्रोन, उसका नाम रखा गया है ड्रोनी, ठीक है। ड्रोनी का जो है निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है, तो ये गरुड़ एयरोस्पेस द्वारा किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि कौन सा देश आतंकवाद विरोध पर UNSC की होने वाली बैठक की मेजबानी करेगा। तो जो है दोस्तों भारत जो है इस बार इसकी मेजबानी कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि सऊदी अरब की कंपनी ओमारा डेट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो
सऊदी अरब में स्थित कौन सी कंपनी, ओमारा डेट्स। और इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, अमिताभ बच्चन को, जिनको सदी का महानायक कहते हैं। अमिताभ बच्चन को जो है बिग बी को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि किन्हें हाल ही में 2022 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये आपका, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि किसे जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ठीक है, 2022 में अर्थशास्त्र का नोबेल जो है दिया गया है। तो ये जो है जिनको दिया गया है तीन लोगों को, उनके नाम है बेन बर्नानके, डगलस डायमंड और फिलिप डायब विगो, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों इन तीनों नाम को, कहाँ पर किस 2022 में अर्थशास्त्र का नोबेल किसे दिया गया है, बेन बर्नानके, डगलस डायमंड और फिलिप डायब विगो को जो है दिया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि किसे FIH प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। तो दोस्तों ये हरमनप्रीत सिंह और फेरिस एलवर्स को जो है प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि दोस्तों अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का जो है आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो दोस्तों ये गोवा राज्य में किया जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि हाल ही में अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार कहाँ किया गया। तो जो अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार आयोजित किया जा रहा है दोस्तों, पुलेह में किया जा रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में सितंबर माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसे दिया जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा ये जो है हरमनप्रीत कौर, ठीक है, हरमनप्रीत कौर भारत के लिए और मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के हैं, उनको जो है प्लेयर ऑफ द मंथ का जो है सितंबर माह का ICC द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया, ठीक है। तो जो है दोस्तों ये जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है ये प्रत्येक वर्ष, ठीक है, प्रत्येक वर्ष जो है 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि हाल ही में कौन सा राज्य 4 बागवानी स्टेट स्थापित करेगा। तो ये जो है पंजाब राज्य दोस्तों जो है पंजाब राज्य क्या करेगा, ये 4 बागवानी स्टेट जो है स्थापित करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम प्रारंभ किया। तो दोस्तों ये जो है उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो है उन्होंने क्या इसको किया है, किसका नाम रखा गया है, फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम, ठीक है, इसको जो है याद रखिएगा, फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है, तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने, तो उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने इसको जो है प्रारंभ किया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में 53वें क्षमता निर्माण कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ हुआ। तो दोस्तों ये मसूरी में जो है हुआ है, ठीक है, मसूरी में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों ये असम राज्य में गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन का जो है उद्घाटन किया है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस राज्य ने हिमकैड नामक की एक नई योजना प्रारंभ की। तो दोस्तों इसको हिमाचल प्रदेश राज्य ने जो है हिमकैड नामक योजना प्रारंभ की है, तो इसको याद रखिएगा कहाँ पर, किस राज्य सरकार ने, हिमाचल प्रदेश सरकार ने किया है, और उस योजना का नाम क्या है, हिमकैड, ठीक है, हिमकैड नामक योजना का प्रारंभ किया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में चौथे हेली इंडिया समिट 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है, ठीक है, या किसने किया। तो जो है इसका दो है दोस्तों उद्घाटन जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो है उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ मोदी शैक्षणिक स्कूल के पहले चरण का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों ये अहमदाबाद गुजरात में किया गया है, ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, वहाँ पर जो है प्रधानमंत्री मोदी ने जो है मोदी शैक्षणिक स्कूल के संकुल के पहले चरण का जो है उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन कहता है कि दोस्तों हाल ही में कौन अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता बने हैं, ठीक है, एक ऐसे भी अभिनेता हैं जो अभी तक पहले अभिनेता बन गए हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में जो है अपनी मूवी की कुछ शूटिंग की है, और उनका नाम है दोस्तों टॉम क्रूज, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि हाल ही में किस कंपनी ने अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर
स्कूटर वीडो V1 लॉन्च किया है। तो दोस्तों इसको हीरो मोटर कॉर्पोरेशन जो है लॉन्च किया है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, कौन सा स्कूटर है? वीडा V1। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।